दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हवा में उड़ गया युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड, चकनाचूर हो गया रोहित शर्मा के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में आया रनों का ऐसा तूफान जिसको देख गेंदबाज भी मैदान छोड़ने को हुए मजबूर। इंटरनेशनल क्रिकेट में बने T20 के अंदर 314 रन, क्रिकेट के सभी रिकॉर्ड एक ही मैच में हो गए ध्वस्त। ICC ने जो सपने में भी नहीं सोचा वो आज हो गया साकार। वर्ल्ड कप से पहले हुआ बड़ा उलटफेर, क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेकर तमाम दिग्गज भी रह गए हैरान। एशियन गेम्स के अंदर क्रिकेट का बन गया मजाक। अगर ICC ने नहीं किया नियमों में बदलाव तो तमाम दिग्गजों के टूट जाएंगे बड़े रिकॉर्ड। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला और किस मैच में इतनी तबाही देखने को मिली है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और युवराज सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चीन के हांगझो शहर में एशियन गेम्स का बड़ा टूर्नामेंट खेला जा रहा है जिसमें एशिया की तमाम टीम हिस्सा ले रही है। इस दौरान नेपाल की युवा टीम ने मैच के अंदर एक साथ कई बड़े रिकॉर्ड तोड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। नेपाल की टीम के युवा बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और युवराज सिंह और डिविलियर्स जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल चीन के एशियन गेम्स में चौथे दिन के अंदर नेपाल की टीम के मुकाबले मंगोलिया के साथ हुआ। इस मैच में नेपाल की टीम टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पर नेपाल की टीम की तरफ से 66 रन पर 2 विकेट गिर गए। लेकिन इसके बाद नेपाल के बल्लेबाज अपने आक्रामक रूप में आ गए, जहां पर कुशल मल्ला ने 50 गेंद पर 137 रन की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अंत में आए दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंद पर अविश्वसनीय नाबाद 52 रन का योगदान दिया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट के बड़े से बड़े रिकॉर्ड एक ही मैच के अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। इस मैच में नेपाल की टीम ने 20 ओवर में 314 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए और मंगोलिया को 41 रन पर ऑल आउट कर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आपको बता दें, इस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कुशल मल्ला ने मात्र 34 गेंद पर अपना शतक पूरा किया, जो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक था। इस दौरान उन्होंने डेविड मिलर और रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज 35 गेंद में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा बल्लेबाजी करने के लिए पांचवें नंबर पर आए दीपेंद्र सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज अर्धशतक था। इस दौरान उन्होंने युवराज सिंह के बारे में गेंद पर लगाए गए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना ही नहीं, नेपाल की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 20 ओवर में 314 रन का हासिल किया और सबसे बड़ी जीत मंगोलिया के खिलाफ दर्ज की। और इसी के साथ एक मैच के अंदर नेपाल की टीम ने क्रिकेट जगत के बड़े से बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सभी को हैरान किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेपाल की टीम का ये रिकॉर्ड भारतीय टीम तोड़ पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर हार्दिक के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज का बदला लेने कदम रख चुकी है। जहां सिक्का हार्दिक के पक्ष में रहा तो फिर सूर्य और गिल ने बल्ले से मचा दिया तबाही। तो आखिर कितना हो गया भारत का स्कोर, किस बल्लेबाज ने ठोका है इस T20 मुकाबले में सबसे तेज शतक, किन 11 भूखे शेरों के साथ गदर मचाने मैदान में उतरी है दोनों टीमें, इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि KL राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला गंवाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कमर कस चुकी है, 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही कम समय शेष है, तो ऐसे में दूसरी तरफ हमारे सामने विश्व जयंत कंगारुओं की टीम चुनौती लेकर खड़ी है, जहां हमें अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने के साथ साथ उनके घमंड को भी ठिकाने लगाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि भारत एक साथ 2 से 3 टीमें बनाकर दुनिया के किसी भी देश में टूर्नामेंट खेल सकता है, और ऐसा ही कुछ लाइव नजारा अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहां बस थोड़ी देर में हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 की जंग में एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि एक बार फिर विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें लोगों के बीच सबसे प्रचलित T20 फॉर्मेट में एक नया इतिहास लिखेंगी। इसके अधिक रोमांचक तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें, 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है निश्चित हुई है, जो कि हिंदुस्तान में होने जा रही है। यानी कि हमें मेहमान ऑस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी करने का भरपूर मौका मिलेगा। आपको बता दें, पहला T20 मुकाबला आज शाम यानी कि 28 अगस्त को खेला जाना है, जिसका गवाह बनेगा मुंबई का विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम। इस महामुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी, जिसके लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इसके अलावा दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स, तो फिर ये कारवा राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जाएगा।
जहां इस सीरीज का समापन किया जाएगा। इन तीनों ही महामुकाबले का लुफ्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारत 18 चैनल पर उठा सकते हैं। तो वहीं फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि मुकेश अंबानी जी की मेहरबानी से हमें यह T20 सीरीज भी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में देखने को मिलने वाली है। यानी जियो का ऐप डाउनलोड कर हम इस T20 मुकाबले को लाइव स्ट्रीमिंग उसमें कर सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी सपने जैसा है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुख की खबर भी निकल कर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस सेशन में बिजी होने के कारण आराम दिया गया। ऐसे में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है, जिनके सामने भारतीय टीम को लीड करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए युवा खिलाड़ियों का ऐसा दल तैयार किया गया है जो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ाने का माध्यम रखते हैं। हालांकि उससे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो T20 की कमान एक बार फिर से पैट कमिंस के कंधों पर रहने वाली है, जिनका साथ निभाने के लिए खूंखार खिलाड़ियों की भरमार है। स्टीव स्मिथ के साथ डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड के कंधों पर भारत की धरती पर बल्ले से कोहराम मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं ऑलराउंड क्रम में कैमरन ग्रीन के साथ मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर तबाही मचाना चाहेंगे। उसके अलावा गेंदबाजी क्रम की तो क्या ही बात करें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा से सजा हुआ ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की बात कर लेते हैं, तो राहुल का साथ निभाते हुए ओपनिंग क्रम में हमें ईशान किशन के साथ शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या जैसे खौफनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर में जौहर दिखाते हुए भी नजर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर का नंबर 5 पर खिलाया जा सकता है। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की कमान वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ सर रविंद्र जडेजा और लंबे समय बाद मैदान के वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर रहने वाली है। दोस्तों बात करते हैं गेंदबाजी क्रम की, तो बतौर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के साथ मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के लिए मैदान में उतरेंगे। यानी कि टीम इंडिया की बेहद खतरनाक लग रही है। इन सितारों ने कमर कस ली है ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर उन्हें सबक सिखाने के लिए, और पहले T20 मुकाबले में तो एक बार फिर क्रिकेट का इतिहास पलटने वाला है। ऐसे में कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पहले T20 मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों टीम इंडिया की करारी हार के बाद जब कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को बुरी तरीके से खरी खोटी सुनाई, तो उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी गुस्से से आग बबूला हो गई। और अब कप्तान रोहित को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो हर कोई दंग रह गया। तो आखिर क्यों मैच के बाद आई रोहित और सूर्य के बीच में दरार? ऐसा क्या कुछ कहा देविशा शेट्टी ने जिसने इस विवाद को और भी हवा देने का काम किया है? उनके हैरतअंगेज बयान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, रोहित और कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों राजकोट के मैदान पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी लाजवाब फॉर्म पर चल रही भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरीके से शिकस्त देगी, लेकिन मेहमानों ने इस मुकाबले में हमारे पर कुतर दिए थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मैदान में तबाही मचा दी और 352 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर उन्होंने भारतीय टीम की हार लगभग सुनिश्चित कर दी थी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना कहां पॉसिबल होता है। कप्तान रोहित शर्मा 57 गेंद पर 5 चौके और 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 81 रनों की आतिशी पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली ने भी जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन जैसे ही इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट गिरा, मानो टीम इंडिया को किसी की नजर लग गई। हमारा मिडिल ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, लेकिन किसी से सबसे अधिक उम्मीद थी तो वो थे सूर्य कुमार यादव। सभी ने सोचा था कि ये खिलाड़ी एक बार फिर इस मैदान में तांडव मचाते हुए भारत को जीत दिला देगा, लेकिन इतने नाजुक मोड़ पर सूर्य कुमार यादव गलती कर बैठे। एक आसान सी गेंद पर वो कैच आउट हो गए, जिसका खामियाजा अब इंडिया को भुगतना पड़ा और भारतीय टीम इस मुकाबले को गवा बैठी, जिसके बाद तो अब सूर्य कुमार यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यहां तक कि खुद रोहित का गुस्सा सूर्य पर फूट पड़ा है। मैच खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा सूर्य को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस लम्हे में तो हर किसी को हैरान कर दिया था। रोहित के चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर जाहिर हो रहा था, वो सूर्य से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस घटना ने तो अब सोशल मीडिया की गलतियों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन रोहित शर्मा का ये अंदाज अपनी पत्नी देविशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो तो गुस्से से लाल पीली नजर आ रही थी, और फिर कप्तान रोहित शर्मा के तीखे शब्दों में उन्होंने ऐसी फटकार लगाई जिसे सुनकर तो हर कोई दंग रह गया। जी हां दोस्तों, देविशा ने कहा है कि जीत और हार केवल एक खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। ये क्रिकेट का खेल एक टीम गेम होता है, जिसमें यदि अधिकांश खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करे तो कोई टीम जीतने का सपना देखती है। तो आप किसी एक खिलाड़ी को इसका जिम्मेदार ठीक नहीं ठहरा सकते हैं।
हाँ दोस्तों, सूर्या ने रन नहीं बनाए, मैं मानती हूँ उन्होंने हमारी उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने उनकी बेइज्जती करें और उन्हें खरी खोटी सुनाएं। आप कप्तान जरूर हैं, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं है। आप उन्हें समझा सकते हैं, उनसे अकेले में बात कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता है। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है, मुझे पता है कि रोहित का इंटेंशन सूर्य को इंसल्ट करने का नहीं रहा होगा, लेकिन लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने सूर्य को गालियां दी हैं, उनकी बेइज्जती की है।